और इसी बीच भोपाल से खबर हमें मिल रही है, जहां गौ कैबिनेट के गठन पर कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान आया है। उन्होंने इसे स्वागत योग्य कदम बताया, कहा कि गौ कैबिनेट से गौवंश की सुरक्षा और संरक्षण हो सकता है। सरकार की प्राथमिकता गौ माता की सुरक्षा करना है, तो सरकार जल्द ही 4000 गौशालाओं का निर्माण करेगी। ये बड़ा बयान भी कृषि मंत्री कमल पटेल की तरफ से दिया गया है, 4000 गौशालाओं का निर्माण किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां गौ कैबिनेट के गठन पर कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान आया है। तो कदम को स्वागत योग्य बताया, लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी बात भी उन्होंने कही है, और 4000 गौशालाओं का निर्माण सरकार करेगी, ये बयान उनकी तरफ से दिया गया है। तो गौ कैबिनेट के गठन पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने इस फैसले को स्वागत योग्य बताया और कहा है कि गौवंश की सुरक्षा और संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है और गौ कैबिनेट से गौवंश की सुरक्षा हो पाएगी। तो ये खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं भोपाल से, गौ कैबिनेट के गठन पर कृषि मंत्री का बयान आया है। तो फैसला स्वागत योग्य है और गौ कैबिनेट से गायों की सुरक्षा और संरक्षण हो पाएगी। इसके साथ ही सरकार जल्दी 4000 गौशालाओं का निर्माण करेगी, ये बड़ा बयान कृषि मंत्री कमल पटेल की तरफ से दिया गया है। तो इस गौ कैबिनेट के गठन पर सरकार के कई मंत्रियों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। भारतीय संस्कृति की पोषक है, वो मानती है कि तीन हमारे सुखदाता, गीता, गंगा, गौ माता, और इसलिए गौ कैबिनेट बनाई गई है। बाकी की पार्टी, खासकर कांग्रेस पार्टी, 15 महीने तक बातें करती रही, 15 गौशाला नहीं बनाई, लेकिन उसके बाद जो प्रगति की वो शिवराज सरकार ने की, और आज गौ कैबिनेट का गठन भी करके एक नई परंपरा का देश में नया उदाहरण प्रस्तुत मध्य प्रदेश ने किया। बात माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने गौ कैबिनेट का गठन का निर्णय लिया है, जो स्वागत योग कदम है। इससे मध्य प्रदेश में जो हमारी गौ माता है उसकी सुरक्षा, उसका संरक्षण, उसका संवर्धन इससे होगा, और हमारी पहली प्राथमिकता सरकार जब गौ माता की रक्षा करें, और इसलिए पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में गौ हत्या पर हमने रोक लगाई और कठोर कानून बनाया, लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों पर जो गौ माता घूमती है उसे दुर्घटनाएं होती है, लोग घरों में खलियानों में गौ को नहीं रखते हैं, छोड़ देते हैं रोड के ऊपर, जिस प्रकार वो रोड पर उनकी दुर्घटनाएं होती है उससे उसकी मृत्यु भी होती है और लोगों के दुर्घटनाएं भी होती है, इससे लोग परेशान है, और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको प्राथमिकता से लेते हुए गौ माता का संरक्षण संवर्धन और उनकी पूरी व्यवस्था करने के लिए गौशालाओं का भी निर्माण कर रहे हैं। 4000 गौशालाएं इसी साल बनेगी। माननीय मुख्यमंत्री से